नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राज्य सरकार धार को क्रिया है बड़ी, कुछ खबरें अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों की चक्कर, बनेंगे ऑटोमेटिक राशन कार्ड। हरियाणा में अब लोगों को बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसे ऑटोमेटिक तरीके से जो आपका राशन कार्ड है वो बनकर आपके घर आ जाएगा। दरअसल सरकार ने लोगों का काम अब आसान कर दिया है, जिसके कारण अब लोगों को राशन कार्ड जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से उनका बन जाएगा। इस बात को लेकर लाभार्थियों में भी हरियाणा के अंदर काफी खुशी का माहौल है। वही सीएम का लोगों ने यहाँ पर धन्यवाद किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है तो उनका जो आयुष्मान कार्ड लिस्ट के साथ उनका जो बीपीएल जो राशन कार्ड है वो ऑटोमेटिक तरीके से बन जाएगा। वही हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए उम्मीदवारों जो है उनको यहाँ पर उम्मीदवार को गरीब रेखा से नीचे होना चाहिए था, तो उनके पूरे परिवार की जो सालाना आय है वो 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप बीपीएल कार्ड के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए, खाने का तेल हुआ है सस्ता। विदेशी बाजारों में यहाँ पर खाद्य तेल के दामों में गिरावट आई है। वही बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल बीते हफ्ते दिल्ली तेल तेलन बाजार में खाद्य तेल तेलन की कीमतों में गिरावट देखी गई है। विदेशी बाजारों में भी यहाँ पर भाव टूटे हैं, जिससे अपने देश के अंदर भी दाम है वो भी टूटने लगे हैं। देश में सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे हल्के तेलों का रिकॉर्ड आयात होने से देश भर के तेल तेलन बाजार में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तेल तेलहन, बिनोला, कच्चा पाम तेल और पामोलिन में गिरावट जो है दर्ज की गई है। पामोलिन तेल में गिरावट दर्ज की गई है, सीपीओ में यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अग्निवीर की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अहम खबर, सरकार ने चयन प्रक्रिया में कर दिया है ये बड़ा बदलाव। केंद्र की मोदी सरकार ने सैन्य सेवा में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अग्निवीर योजना की शुरुआत की है। वही सरकार ने पिछले साल इस योजना की शुरुआत यहाँ पर की थी। वही अब तक बड़े पैमाने पर युवाओं को सैन्य भर्ती को देकर यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग भी शुरू करा दी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय भर्ती विभाग ने उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, हालांकि इसे भर्ती की संख्या या फिर समय में किसी तरह का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल जानकारी के अनुसार इस बदलाव के तहत अग्निवीर बनने के लिए पंजीयन कराने वाले युवाओं को पहले ऑनलाइन यानी कोमल इंट्रेंस एग्जाम पास यहाँ पर करना होगा, जबकि इस प्रक्रिया के बाद ही फिजिकल और मेडिकल फिटनेस की परीक्षा जो है वो होगी। वे पूर्व की प्रक्रिया में युवाओं को पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता, उसके बाद में यहाँ पर लिखित परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन अभी जो है नियम बदल दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो टेलीकॉम जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, इस कंपनी का सिम चलाओ और 0% इंटरेस्ट पर खरीदो नया स्मार्टफोन। अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बजट नहीं बन पा रहा है तो ये ऑफर आपके लिए ही है। दरअसल वोडाफोन आइडिया यानी वी की सिम चलाने वाले यूजर्स के लिए कंपनी एक शानदार ऑफर लेकर आई है। दरअसल टेलीकॉम कंपनी 0% इंटरेस्ट रेट पर एक नया स्मार्टफोन खरीदने का आपको मौका दे रही है। दरअसल वोडाफोन आइडिया के इस ऑफर को यहाँ पर लोन कंपनी होम क्रेडिट के साथ मिलकर दे रही है। अगर आप भी अपना पसंदीदा स्मार्टफोन खरीदने के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन की अगर जरूरत है, पर मतलब आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको ये जो मिल जाएगा। वही कंपनी की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही यहाँ पर आपको स्मार्टफोन खरीदने के लिए ईएमआई डील्स भी ऑफर यहाँ पर की जाएगी, यानी ईएमआई पर भी आप खरीद सकते हैं। वही होम क्रेडिट स्टोर पहुंचकर यूजर्स अपनी एलिजिबिलिटी चेक करा सकते हैं। इसके अलावा लोन लिमिट का भी यहाँ पर पता चला जिसमें जाएगा। एक बार ये सभी चीजें यहाँ पर पता करने के बाद आप खुद से अच्छा ऑफर देख सकते हैं और पसंदीदा स्मार्टफोन खरीदने के लिए आगे के स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, किसानों का इंतजार होगा अब खत्म, इस दिन जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त। 2 फरवरी को निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश कर दिया गया है। वही इसमें कई किसानों को सौगात यहाँ पर दी गई है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, न ही यहाँ पर एमएसपी पर कोई घोषणा यहाँ पर हुई। हालांकि बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा यहाँ पर की गई है। वही संभावना ये जताई जा रही है कि होली से पहले फरवरी में कभी भी यहाँ पर 13वीं किस्त के पैसे जो है किसानों के खाते में आ सकते हैं। वही योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। हालांकि यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि जनवरी तक किस्त जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब
चूंकि बजट पेश हो चुका है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि फरवरी महीने में 13वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खाते में आ सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तारीख को लेकर कोई विशेष यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप अपना स्टेटस अगर चेक करना चाहते हैं तो पीएम किसान समृद्धि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप आसानी से जाकर वहां अपना नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या स्टेटस यहाँ पर चल रही है, कितने क्या कुछ यहाँ पर आपके आवेदन में है।